तो देखा आपने, और अब राम मंदिर के लहर के दौर में, राम मंदिर की, राम नाम की दौड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने राम पर दावा ठोक दिया है। कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा के केंद्र में राम है, राम हमारे हैं। अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये दावा ठोका है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने देशभर से आए बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया। आखिर अमित शाह ने क्या कहा, शब्द से आपको बता देते हैं। भगवान राम पर हमारा अधिकार है, पार्टी की विचारधारा के मूल में भगवान राम है, सदैव भगवान राम के आदर्शों के साथ बीजेपी चली है। कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो बीजेपी के कार्यकर्ता माहौल खराब ना होने दें, भगवान राम हमारे हैं। ये यहाँ पर अमित शाह की तरफ से दावा ठोक दिया गया है, यानी संदेश स्पष्ट है। 2024 की तैयारियों के बीच, जनता के बीच जाएं तो बताएं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, तो बीजेपी दावा ठोक रही है। अब आपको यहाँ की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ उजले वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब जरा सामने देखिए, ये वो द्वार है जो तैयार हो रहा है। मेरे कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए आप पहुँचेंगे, और आपको परकोटे का शिखर भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा। यही वो द्वार है जिसके जरिए सभी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भक्त लगातार धोती कुर्ते में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि धोती कुर्ती के साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। सर कहां से आए हैं, और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं तो आपके मन में भाव क्या चल रहे हैं? भाव तो बहुत भव्य है, दिव्य है, ऐसा लग रहा है। मुंबई से, मुंबई से आए। मुंबई तो पहली बार आए हैं? नहीं, हम 2007 में आए। क्या बदल गया? अरे बहुत कुछ, राम लल्ला टेंट से इतनी बड़ी चौड़ी सड़क तो लखनऊ तक नहीं देखी थी। अच्छा, हम बाय रोड आए, सकड़ी सड़क थी। मन में क्या भावना है जब प्रभु श्री राम की, आज खास बात ये भी है कि उनकी वो प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी वो आज परिसर पहुंच चुकी है, मन में क्या भाव चल रहा है? मन में तो बहुत काफी अच्छा भाव चल रहा है कि हम तो सभी को, देशवासियों को कहते हैं कि यहाँ पे आए और दर्शन कीजिए। हाँ। कि जो बन रहा है मंदिर वो भव्य और दिव्य बन रहा है। तो भव्य और दिव्य बन रहा है, लोग इस तरीके से प्रभु श्री राम के झंडे लेकर पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए बंधु? बम्बई से। बम्बई से आए हैं, तो ये वो लोग हैं जो यहाँ कुछ साल पहले तक आने की परिकल्पना नहीं करते थे, और अब लंबी भीड़ है। अब जरा आइए, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल क्या होगा, तो उसकी झलक आप ये देख लीजिए। माथे पर श्री राम है, सारा ग्रुप यहाँ आया है। अम्मा कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से प्रभु श्री राम लला के दर्शन हुए या जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अयोध्या, क्या भावना मन में है? प्रभु श्री राम की विग्रह प्रतिमा पहुँच गई है आज अंदर? हाँ, पहुँच गई। कौन सा भजन गुनगुनाएंगे हमारे लिए आज? राम का। क्या, कौन सा भजन गाते हैं? राम जी की निकली सवारी। राम जी की निकली सवारी। हाँ जी, शंख बजा दीजिए बाबा। शंख के साथ।